नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लगातार मौतें हो रही हैं। कुछ ऐसा ही बीती रात शहडोल मेडिकल कॉलेज में हुआ, जहां ऑक्सीजन की कमी होने से 16 मरीजों की मौत की खबरें आईं। जानकारी है कि बीती रात देर रात ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर काफी कम हो गया और 25 तक पहुंच गया, जिससे ICU और अन्य वार्डों में भर्ती 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ मौजूद परिजनों के अनुसार मौत का आंकड़ा 15 से ज्यादा है। इनमें ज्यादातर मरीज कोरोना संक्रमित थे। गौरतलब है कि बीते दो दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के डीन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ से लेकर अन्य कमियां बताई थी और उसे दूर करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गए। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। क्या 60 साल शनिवार को यानी आज कितना 8-10 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। बात किया हूँ सर, मैं यहाँ ठीक रहा कल तक, खाना लेके आता रहा, बात वत हुआ है कल तक, वही गया पता नहीं, लातों रात लापरवाही का है, पता नहीं लापरवाही से हुआ है, कल तक अच्छा रहा। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं और पूरी लापरवाही शासन की है। मेरा भांजा सर आज मतलब जाना प्रेम केवलानी, मेरा छोटा भाई 31 साल का पवन केवलानी, रात को 9 बजे से बिल्कुल लोक पे था, मैं धनपुरी से आया हूँ। आज हमारे यहाँ जो हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है पूरा ख़त्म हो गया, उसके कारण ऑक्सीजन प्रदाय जो चल रहा है उसके दबाव में कमी आई और ये हमारा ऑक्सीजन कम, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बहुत पहले से चली गई थी। कल शाम तक टैंकर आ जाना था, कल शाम को नहीं आया, फिर पता पता रात को 2 बजे आएगा, 2 बजे भी नहीं आया, फिर तब तक इसका लिक्विड ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो गया, उसके कारण जो ऑक्सीजन प्रदाय का दबाव कम हुआ है। हमारे यहाँ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम का ऑक्सीजन चलता है जो कि सिलेंडर के माध्यम से भी दिया जाता है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन प्रदाय अभी भी बना हुआ है, बना के रखा है। लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जो रात को पता चला दवाओं में रुक गया था 12 बजे, क्योंकि उन टैंकर वालों को निर्देश है कि रात को 12 बजे के बाद वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, पर फिर गाड़ी पलट गई थी इसी तरीके की इमरजेंसी में जल्दी चलाने के चक्कर में। सुबह वो गाड़ी चालू हो चुकी है वहाँ से करीब 6 बजे और 11 बजे तक वो आएगी। अभी भी हमारा ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है लेकिन दबाव कम है, दबाव इतने कम है कि अभी हमारे नंबर ऑफ बेड ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं, सभी जगह ऑक्सीजन पॉइंट खुले हुए हैं, इसके कारण बिना जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है दबाव उतना बन नहीं पा रहा है। और हाँ, कल रात को करीब 6 डेथ हुई है और वो भी डेथ सिर्फ ICU में हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी ही कारण था तो ऑक्सीजन ICU में हमारे 62 मरीज एडमिट है, इसके अलावा प्राइवेट रूम्स हैं वहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉइंट है, उसमें 25 बेड पे भी पेशेंट रखे हैं। तो ये एक निमित्त हो सकता है, डेफिनेटली अभी हम काउज ऑफ डेथ अभी पता करेंगे, मेडिसिन एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो 6 जो बहुत क्रिटिकल मरीज थे उनकी डेथ हुई है और लेकिन अभी भी ऑक्सीजन का प्रदाय जारी है। बीती रात मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी स्थिति क्रिटिकल होगी, क्या पोजीशन है और क्या इनकाउंटर से हुई सर? हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी, कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है सिलेंडर के माध्यम से, ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब ख़त्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है 62 बेड तो उसमें ICU के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18 एक का HDU है,
हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। आईसीयू में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं। लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा, ऐसा होता तो आईसीयू के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, वो उनमें से करीब 12 या 15 बाईपैक मशीन पे हैं, अगर वो भी उन पर भी असर हुआ होता तो ऑक्सीजन का दबाव ज़रूर कम हुआ, क्योंकि एलोमा टैंक अभी तक नहीं आया है। टैंक वाला जो पता पड़ा रात को कि 12 बजे